नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। एरियर के लिए दिल्ली से पैसे आने का इंतजार, यूजीसी स्केल के बाद ओवरड्राफ्ट में चल रही है ट्रेजरी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित एरियर की पहली किस्त के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एरियर सितंबर में ही मिलेगा। राज्य में पिछले महीने लागू हुए यूजीसी पे स्केल के कारण 400 करोड़ अतिरिक्त खर्चा कोषागार पर पड़ा है। इसके अलावा और देनदारियों के कारण भी वर्तमान में ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चल रही है। अब हर महीने 10 तारीख के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार से आती है, और इस महीने भी इसकी राशि 860 करोड़ के आसपास है। अब इसके आने के बाद ही एरियर जारी करने को लेकर वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। इसका ऐलान 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अभी राज्य सरकार 1000 करोड़ का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को देना चाहती है। पेंशनरों को एरियर देने की फाइल वित्त विभाग को सबमिट हो गई है, और इसमें एक सीलिंग के साथ एरियर दिया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों को एरियर देने की फाइल अभी शुरू ही नहीं हुई है। वित्त सचिव भी वर्तमान में शिमला से बाहर है और अब सोमवार को ही शिमला आएंगे, इसलिए उसके बाद ही एरियर को लेकर फाइलें चलेंगी। राज्य सरकार ने 2500 करोड़ का लोन और लेने का फैसला ले लिया है, और इसके लिए आरबीआई को आवेदन भी कर दिया है। वहां से अब मंजूरी मिलने के बाद अगले सप्ताह ये पैसा भी आ जाएगा। लेकिन कोषागार में एरियर की दूसरी किस्त देने को लेकर धन बचेगा या नहीं, ये पे रिविजन रूल्स में हुए संशोधन के लागू होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी केवल अधिसूचना हुई है और यह पे रिविजन रूल्स का जो बेनिफिट है वो कर्मचारी को इसी महीने मिलना है या इसके बाद मिलना है, ये अभी तक तय नहीं है, और इसके बाद ही एरियर को लेकर रास्ता तय हो पाएगा। यही वजह है कि एरियर को लेकर अभी वित्त विभाग कुछ इंतजार करने जा रहा है।